दोस्तों कॉपीराइट की वजह से मैंने सॉन्ग को म्यूट कर दिया है, सॉरी। हेलो दोस्तों, दोस्तों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्स वाई जेड में स्वागत है। दोस्तों ये वाली वीडियो जो आपने स्टार्टिंग में देखी है, आज मैं उसी का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। दोस्तों उस वीडियो को बनाने के लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक बना रहना है, और दोस्तों साथ ही में मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, क्योंकि हमारी 1K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। मात्र 13 सब्सक्राइबर रह गए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा भी 1K की फैमिली बन जाएगी। चलो दोस्तों चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनानी है वो वीडियो। और दोस्तों साथ ही में मैं आपको एक बात और बता दूं, सब भाई मुझसे पूछते हैं कि काइन मास्टर का प्रो वर्जन दे दो। दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है काइन मास्टर चलाने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। चलो दोस्तों चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनानी है वो वीडियो। हाँ तो भाई लोगों, चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप पर मेरा वाला प्रो वर्जन काइन मास्टर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो यहाँ एक प्लस का ऑप्शन आएगा, आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। और यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे तो आपको बीच वाला सेलेक्ट करना है, 9:16। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब आपको यहाँ से क्या करना है, एक मीडिया का ऑप्शन आएगा, मीडिया पर टैप कीजिए। मीडिया पर टैप करेंगे तो फर्स्ट में ही ऑप्शन आएगा एक बैकग्राउंड को, यहाँ से आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। लाने के बाद आपको यहाँ से सिंपली राइट करना है और अपने बैकग्राउंड पर टैप करना है, और जो कि आपको इस येलो वाले पार्ट पर क्लिक कर अपने स्क्रॉल कर लेना है बैकग्राउंड को, 15-16 सेकेंड तक उसको कर लेना है। आपको अपने हिसाब से जितनी बड़ी आपकी वीडियो उतने हिसाब से ही आप अपने बैकग्राउंड को बड़ा कर लीजिए। फिर इस सीजर पर टैप कर आप स्टार्टिंग सॉरी इस एरो पर टैप कर आप स्टार्टिंग में चले जाइए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको एक वीडियो शूट करनी है अपने फ़ोन के नॉर्मल कैमरे से ही, जो कि आपको मैं बताता हूँ कैसे शूट करनी है और कौन सा कलर होगा यूज उसमें टी शर्ट का। आपको क्या करना है, इस वाले मीडिया सॉरी इस लेयर पर टैप करना है उस वीडियो को लाने के लिए, और मीडिया में चले जाना है, और जहाँ भी आपकी वो वीडियो वहाँ से उस वीडियो को आप ले लीजिए। लाने के बाद आप सीजर के बराबर में एक बॉक्स सा देखेंगे, आप इस पर टैप कीजिए और इस ब्लैक सॉरी वाइट वाले बॉक्स पर टैप कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में हो जाएगी। दोस्तों मैंने किसी लड़की की वीडियो यूज कर ली है। अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो पर टैप करना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा क्रोमा की का, आपको उस पर टैप कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कलर चूज करने का। हाँ तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूँ, आपको एक ही कलर की टी शर्ट पहननी है, चाहे वो कोई भी कलर हो लेकिन पहननी एक ही कलर की टी शर्ट है। दोस्तों इसकी लाइट लाइट ब्लू है ये, तो मैंने वो वाला कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। आपकी जो भी कलर की टी शर्ट हो आप वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए उसको राइट, और फिर यहाँ से कर दीजिए उसको अनेबल। दोस्तों देखिए हमारा ऑटोमेटिक वो कलर हट गया है टी शर्ट वाला। फिर दोस्तों आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए अपनी वीडियो को, दोस्तों मैंने अपनी इस वाली वीडियो को एडजस्ट कर लिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने ऊपर वाले बैकग्राउंड पर टैप करना है। जैसे आप बैकग्राउंड पर टैप करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा कलर चूज करने का। दोस्तों इस ब्लैक बैकग्राउंड को हटाकर आप यहाँ से कोई सा भी कलर एक बार चूज कर लीजिए, मैंने रेड वाला कर लिया और यहाँ से कर दिया उसको राइट। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने इस बैकग्राउंड को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना है, मतलब कि इसको कट करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड को कट कर देता हूँ, सॉरी बैकग्राउंड को नहीं, थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देता हूँ। आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पर टैप करना है और सीजर वाले ऑप्शन पर टैप करना है, और ऊपर से तीसरे नंबर पर आएगा स्प्लिट ऑफ प्लेहट, आपको इसको एक बार क्लिक कर देना है। फिर आपको अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे करना है और फिर वही सेम प्रोसेस आपको दोबारा उस पर ही क्लिक कर देना है। दोस्तों आप छोटे छोटे पार्टों में इसको डिवाइड कर लीजिए, फिर आपको इस यही वाला तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपको थोड़ा थोड़ा सा इसको और मैं इसके बॉक्स बना लेता हूँ जल्दी जल्दी, आपको सेम ऐसे ही बॉक्स बनाने हैं इसके। दोस्तों मेरे बॉक्स बन गए हैं इसके। मैंने बॉक्स बना लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके जो फालतू का बैकग्राउंड है उसको इरेज कर दीजिए। आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन कर देना है राइट ऑफ प्ले हट वाला, वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो आप उस बैकग्राउंड को दोबारा टैप कीजिए और सीजर पर टैप कीजिए और यहाँ से राइट ऑफ प्ले हट कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों हमारा बैकग्राउंड हो गया इरेज। अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट करना चाहते तो बैकग्राउंड पर टैप कीजिए और इस बॉक्स डस्टबिन वाले पर टैप कीजिए, ऑटोमेटिक आगे का डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने हर बैकग्राउंड पर एक बार आपको क्लिक करना है जो बॉक्स बनाए गए हैं आपने,
मैं सेकंड वाले पे क्लिक कर देता हूँ और कलर पे चूज करता हूँ। यहाँ से आप कोई भी अपना एक कलर चूज कर लीजिए। दोस्तों देखिए मैंने अपने कलर चूज कर रहा हूँ, आप भी अपना कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए। दोस्तों हर बैकग्राउंड में आप अपना कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। दोस्तों मैं ज़्यादा तो आपको दिखाऊंगा नहीं, आप फिर समझ ही गए होंगे अब, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए। दोस्तों मैं अपनी देखिए आपको वीडियो प्ले कर कर दिखा देता हूँ इतने ही बैकग्राउंड की बस। चलो दोस्तों देखिए आपकी वीडियो बनकर रेडी हो गई है। दोस्तों फिर आपको अपनी वीडियो का बैकग्राउंड सारे सेलेक्ट करने के बाद कलर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शेयर का, शेयर पर टैप कीजिए और अपनी वीडियो को अपने मेमोरी में एक्सपोर्ट कर दीजिए यहाँ से। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।